भाजपा नेता भोपाल के पूर्व महापौर आलोक शर्मा ने भोपाल में गुमाश्ता कानून लागू करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि एक भोपाल में दो कानून कैसे चल रहे हैं। एक विशेष समुदाय के लोग रात भर दुकानें खोलते हैं, वहां कई गलत काम हो रहे हैं जिससे युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है। राजधानी भोपाल में गुमाश्ता कानून लागू करने की मांग को लेकर पूर्व महापौर आलोक शर्मा ने भोपाल कलेक्टर आशीष सिंह को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर आलोक शर्मा ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि पुराने शहर में रात भर दुकानें खुली रहती हैं जिससे क्षेत्र का माहौल बिगड़ रहा है। बच्चे जुआ खेल रहे हैं, चरस गांजा पी रहे हैं जिससे युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है। आलोक शर्मा ने भोपाल कलेक्टर से मांग की है कि नए भोपाल की तरह पुराने भोपाल में भी सभी बाजार रात 11 बजे तक बंद हो जाएं। भोपाल की उत्तर विधानसभा से सभी भाजपा पार्षद और भाजपा कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर से कहा कि नियमानुसार इन दुकानों को बंद कराया जाए। मध्य प्रदेश में स्पष्ट बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है। जनादेश मध्य प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दिया है और आज हम यहाँ पे आए हैं कि हमारा जो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, यहाँ पे गुमास्ता एक्ट का पालन नहीं हो रहा है। यहाँ पर कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने पुराने भोपाल में जो क्षेत्र हैं वहाँ के बाजार 24-24 घंटे खुले रहते हैं। भोपाल में दो कानून नहीं चलेंगे। भोपाल का न्यू मार्केट का बाजार हो, भोपाल का 10 नंबर का मार्केट हो, विट्ठल मार्केट हो, पिपलानी का मार्केट हो, बरखेड़ा का मार्केट हो, संत हिरदाराम नगर का मार्केट हो, चौक का बाजार हो, कपड़ा बाजार हो, सरापे का बाजार हो, हनुमानगंज का बाजार हो, हमीदिया रोड का बाजार, ये 10 बजे बंद होते हैं। परंतु पुराने भोपाल का लक्ष्मी टाकिज, पुराने भोपाल का काजी कैम्प का एरिया, पुराने भोपाल का इमामी गेट, पुराने भोपाल का बुधवारा, चार बत्ती का चौराया, जहांगीराबाद में सब्बन चौराया 24-24 घंटे तक खुले रहते हैं और उसके कारण कहीं ना कहीं आने वाली पीढ़ी बिगड़ रही है, युवा पीढ़ी बिगड़ रही है। गांजा, अफीम, चरस, इस प्रकार के पाउडर बिक रहे हैं, बच्चे घर में नहीं आ रहे हैं। कई हमारे पापा मम्मी घर के, उनके फ़ोन आते हैं, भैया भाभी के फ़ोन आते हैं, कई घरों में तो अब्बा अम्मी तक के फ़ोन आए हैं, बंद करिए। कई में मुस्लिम हमारे जो मानेटी के भाई लोग हैं, उन्होंने पत्र लिखा है। एक तो मानेटी के वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने तो एडिटोरियल लिखा है कि आलोक जी का निर्णय सराहनीय है, बाजार बंद होना चाहिए और बच्चों को गलत लत से बचाया जा सके तो भोपाल में एक कानून का पालन होना चाहिए। आज कलेक्टर भोपाल को हमने ज्ञापन दिया है और उनसे मांग की है कि अब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भोपाल में दो कानून नहीं चलेंगे, एक कानून का पालन होना चाहिए और भोपाल में सभी बाजार रात को 10 बजे बंद होना चाहिए। क्या प्राप्त हुई है कि कुछ शहर के हिस्सों में जो रात की दुकानें चलती हैं उसकी वजह से एप्लीकेशन हो रहा है, इस संबंध में जो भी नियम है उनका अध्ययन करके और जो सभी स्टेक होल्डर्स से चर्चा करके जो भी कानून सम्मत कदम उठाने होंगे उनको उठाए जाए। और देखिए, आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर लगातार हमारी कार्रवाई जारी, कल भी हम लोगों ने कार्रवाई करी थी और इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो भी निर्देश दिए गए हैं कि जो इस प्रकार के अपराधी हैं जिनके विरुद्ध गंभीर अपराध पहले से पेंडिंग है और जो जमानत पर छूटे हुए हैं उनकी जमानत निरस्त करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाए, इस संबंध में कल सभी पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक भी की है और जो हमारे प्रोसिक्यूशन ऑफिसर्स हैं उनको भी निर्देशित किया गया है। ऐसे लोगों को चिन्हांकित किया जाएगा और जल्दी से जल्दी उनकी जमानत निरस्त हो, इस दिशा में प्रयास किए जाएंगे। कल भी जो घर तोड़ने कार्रवाई हुई थी उससे संबंधित जो अपराधी हैं उनके लिए भी उनके जमानत निरस्त करने संबंधी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।